नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी दल का न्यूज। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निगम चुनाव को लेकर एडीसी एवं रिटर्निंग अधिकारी सुजान सिंह की अध्यक्षता में रिहर्सल कार्यक्रम आयोजित। 16 दिसंबर को होगा मतदान। संगत को है सुनारिया से आदेश का इंतजार, सरकार के खिलाफ है गुस्सा। सेक्टर 12 में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी अंशुकोर का हुआ भव्य स्वागत, बुले शाह ने भी मांगे वोट। अवनीत कौर ने भी शहर में घूमकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील। वार्ड नंबर 15 से भाजपा ने रजनी गर्ग को दिया अपना समर्थन। शुक्रवार को नूरवाला में जन समर्थन के लिए एकत्र होंगे इनेलो और बसपा के नेता। वार्ड नंबर 9 की भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी नारंग ने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से किया अनुरोध। शिप्रा विज ने महाजन वाली गली में की जनसभा, जनता ने किया भव्य स्वागत। बुनकर सेवा केंद्र में नाम मात्र फीस पर कर सकते हैं रोजगार उन्मुखी कोर्स। और रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल जारी, 365 चालकों को हटाए जाने का कर रहे हैं विरोध। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए विस्तार से जानते हैं इस बुलेटिन की सभी खबरें। हरियाणा में 16 दिसंबर को होने वाले निगम और चुनाव को लेकर जहां प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं तीन राज्यों की जीत से आत्मविश्वास से लबरेज कांग्रेस पार्टी हर सूरत में निगम चुनावों को जीतना चाहेगी। गौरतलब है कि स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कहना कि निगम चुनाव पर ही हरियाणा विधानसभा और लोकसभा चुनाव की किस्मत तय होगी। जाहिर है कि कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी कि भाजपा के आत्मबल को तोड़ा जाए। जाहिर है कि कांग्रेस सड़क की लड़ाई की बजाय दिमाग और जोड़तोड़ को ही प्राथमिकता देती रही है। उसी क्रम में कांग्रेस के कुछ लोग सुनारिया जेल में कारावास भुगत रहे बाबा राम रहीम की संगत के संपर्क में हैं। संगत का गुस्सा आज भी सरकार के खिलाफ भीतर ही भीतर धधक रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुमकिन है कि सुनारिया से कोई आज्ञा आ जाए। सूत्र ये भी बताते हैं कि संगत किसी भी सूरत में भाजपा को वोट नहीं करेगी, क्योंकि उसका मानना है कि आज उनके गुरु का जो हश्र है उसके जिम्मेदार मनोहर लाल सरकार है। जाहिर है यदि कोई फरमान आता है तो निश्चय उसका असर निगम चुनाव पर प्रभावी रूप से पड़ने वाला है। हमारे नगर निगम के चुनाव के परिणाम का प्रभाव अगले लोकसभा पर भी आने वाला है, अगले विधानसभा पर भी आने वाला है। तो इसलिए सब चुनाव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को आज किसी प्रकार की चिंता किए बिना हमारा जो दल का भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सुरक्षित है, और उसी अनुसार हमको इस नगर निगम के चुनाव के अंदर अपने सब प्रत्याशियों को जिताना है। 16 दिसंबर को होने वाले पानीपत नगर निगम के चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इसी के दृष्टिगत वीरवार को एससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इन चुनावों की रिहर्सल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त और रिटर्निंग अधिकारी सुजान सिंह ने की। इस अवसर पर एसडीएम विवेक चौधरी, एसडीएम सुमानका गौरव कुमार और डीआरओ चंद्रमोहन के अलावा सभी एआरओ मौजूद रहे। इस रिहर्सल कार्यक्रम में इन चुनावों से जुड़े सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। मास्टर ट्रेनर संजय भारद्वाज ने ईवीएम इस्तेमाल करने के बारे में प्रशिक्षण दिया। इन चुनावों के फाइनल रिहर्सल 15 दिसंबर को इसी विद्यालय में आयोजित की जाएगी। एडीसी और रिटर्निंग अधिकारी सुचल सिंह ने रिहर्सल कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे देश की चुनाव प्रणाली को भी श्रेष्ठतम माना जाता है। इन चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सभी अधिकारी पूरा सहयोग देंगे, ताकि पानीपत में अधिकतम मतदान का रिकॉर्ड बनाया जा सके। पानीपत में 16 दिसंबर को प्रातः 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। मतदान से पूर्व चुनाव एजेंटों की मौजूदगी में मॉक पोल अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी एआरओ और मतदान अधिकारियों को उनकी दी गई हैंडबुक का अध्ययन पूरी बारीकी के साथ करें। उन्होंने कहा कि मल्टी फंक्शनल ईवीएम मशीन में प्रयोग में लाई जाएगी। बैलेट पत्र जो छप के आए हैं वो लगाए जा रहे हैं और साथ ही उनके अंदर कैंडिडेट सेट कर रहे हैं, मतलब अब ये मशीनें जो हैं वोटिंग के लिए तैयार हैं। तो उसी प्रक्रिया में, उसी कड़ी में अभी मैं चूंकि 1 से 4 वार्ड का एआरओ हूं, तो हम 1 से 4 वार्ड की मशीनें जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, बाकी एआरओज अपनी इंडिपेंडेंट।
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर 365 चालकों को नौकरी से हटाने के विरोध में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेता सुरेश अहलावत धर्मपाल राजपाल आदि बस स्टैंड की वर्कशॉप में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राज्य सचिव राजपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार और विभाग के अधिकारी 18 दिन की हड़ताल से बौखलाते हुए बदले की भावना से कर्मचारियों का उत्पीड़न कर उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं। हड़ताल के बाद विभाग की ओर से जितने भी पत्र जारी किए गए हैं सभी का केवल एक ही मतलब है कि जनता के आने जाने की सुविधा में बाधा डालना। कर्मचारियों का ओवरटाइम तक खत्म किया जा रहा है। आह्वान पर अभी पीछे 18 दिन की रोडवेज कर्मचारियों की जो हड़ताल थी सरकार हरियाणा सरकार ने उसे बौखलाते हुए 2016 का जो कर्मचारी 365 जो चालक हैं उसके हटाने के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में पूरे हरियाणा के सभी डिपो में 24 घंटे की हड़ताल पर बैठे हैं। बुनकर सेवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर ललिता प्रसाद ने प्रेस को बताया कि 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मॉडल टाउन के न्यू टाउनशिप कम्युनिटी हॉल में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें भारत के कोने कोने से हथकरघा उद्योग के उत्पादन के स्टॉल लगाए जाएंगे। ये उत्पादन पानीपत की जनता को पसंद आएंगे ऐसा उन्होंने विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से बुनकर सेवा केंद्र में डाइंग बुनाई डिजाइनिंग और छपाई का 4 महीने का कोर्स करवाया जाता है। 10वीं और 12वीं पास बच्चे यहाँ आकर इसका फायदा उठाकर अपना करियर बना सकते हैं। ये कोर्स सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मात्र 300 रुपए महीना फीस पर करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ से कोर्स कर चुके बच्चे आज प्राइवेट सेक्टर में स्थापित हो चुके हैं, कई तो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने बुनकरों के लिए खड्डी खरीदने के लिए 25,000 रुपए का प्रावधान किया है। बुनकर को इसका मात्र 10% देना होता है और बाकी सरकार अदा करती है। इसी तरह से शेड बनाने के लिए भी उनको 70,000 से 1,20,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। बुनकरों का जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पहचान पत्र भी बनाया जा रहा है। उन्होंने बुनकरों और श्रमिक संगठनों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और बुनकरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक हथकरघा वस्त्रों के लिए एक प्रदर्शनी कम बिक्री एग्जीबिशन लगाई जा रही है जो न्यू टाउनशिप कमिटी हॉल है उसके अंदर मॉडल टाउन में। तो मैं सभी पानीपत वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वहाँ पर आएँ, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के प्रदेश और अन्य प्रदेशों के भी उत्पाद यहाँ पर आएंगे, उनका सेल भी होगा और प्रदर्शनी भी होगी। तो तरह तरह के डिजाइन वस्त्र साड़ियाँ सब यहाँ पर आएंगे। जो अपना बिहार है, मध्य प्रदेश है और ये अपना पश्चिम बंगाल, वहाँ के उत्पाद यहाँ पर बिक्री करने के लिए हमने बुलाए हुए हैं। अपना जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जीबिशन हमको यहाँ पर लगाना है। अग्रवाल समाज को साधने के मकसद से भाजपा ने वार्ड 15 से रजनी गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज के कार्यालय में परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने बाकायदा ये घोषणा की। सुरेंद्र गर्ग सामाजिक संगठन जनमोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से हैं। इसकी आधारशिला पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अहलावत और जितेंद्र जुनेजा ने हम मशविरा होकर रखी थी। हालांकि जितेंद्र जुनेजा वार्ड 20 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि वार्ड 15 से इससे पूर्व राजकमल गर्ग को पार्टी की टिकट मिली थी, लेकिन नामांकन में 10 मिनट की देरी होने से बवाल खड़ा हो गया था। नतीजतन राजकमल का नामांकन रद्द हो गया था। विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी ने नामांकन रद्द होने का ठीकरा प्रमोद विज पर फोड़कर सनसनी फैला दी थी। दूसरी तरफ प्रमोद विज ने साफ किया कि अग्रवाल बिरादरी को ही सम्मान दिया गया है। देखिए विधायक पति है और डेफिनेटली उनके पास संगठन में कोई पद नहीं है और उनको किसी तरह का भी कमेंट्स देने या उनको समाचार पत्रों को अगर कुछ कहना है तो संगठन का काम है, विधायक पति का ये काम नहीं है। विधायक पति का काम है वो विधायक को सपोर्ट करें, संगठन को सपोर्ट करें। हम भी सुरेंद्र जी के साथ ही, अलग नहीं है उनसे, लेकिन उसके बावजूद उनको किसी भी तरह के बयान से बचना चाहिए और कोई भी बात कहनी है तो हमें संगठन में आगे जरूर रखें। मैंने अभी बताया है कि हम भी पहले भी विनिंग कैंडिडेट थे, अब भी विनिंग कैंडिडेट है। पहले हो सकता हमारी 3,000-3,500 वोट थी, लेकिन अब हमारा जो वोट का अंतर है वो कम से कम 5,000 प्लस आएगा। मेयर पद के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अंशुकर पाहवा ने सेक्टर 12 मार्केट में एक जनसभा को संबोधित किया।
वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बुल्ले शाह भी मौजूद रहे। बुल्ले शाह ने इस मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा की चालबाजी भरी बातों को जान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो हार मिली है वह दिखाती है कि भाजपा के दिन जाने वाले हैं। उन्होंने अंशुकर पाहवा के समर्थन में वोट मांगे और कहा कि यदि लोग कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों और मेयर के प्रत्याशी को निगम में भेजते हैं तो हाउस टैक्स को घटाकर पुरानी तर्ज पर लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी, पूरे शहर में विकास कार्य करवाए जाएंगे। अंशु पाहवा ने भी जनता से वोट की अपील की। इस अवसर पर संजय अग्रवाल, दिनेश जैन, सरदारा सिंह, गुलजार सिंह, संजीव चावला, प्रदीप भांबरी और सिकटबारा के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बदलाव लाएं और अपने जो वोट को अपने वोट का सही उपयोग करें। आप अपने वोट को केवल एक वोट मात्र ही मत समझें। आपका वोट कैंडिडेट चुनते हैं तो आपके आने वाले 5 साल सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आने वाले 16 दिसंबर को मैं अंशु कौर पावा, मेरा चुनाव चिन्ह कुर्सी है, मुझे समर्थन दें और हमारी बहन श्री शकुंतला गर्ग जी, उनको एमसी पद के लिए उनका चुनाव चिन्ह जो है उगता सूरज है उसके लिए समर्थन दें। जैसे जैसे निगम के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। वार्ड 9 से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार शिप्रा विज ने महाजन वाली गली में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जहां लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और अपना समर्थन दिया। शिप्रा विज ने लोगों से समर्थन देने के लिए उनका धन्यवाद भी किया, साथ ही लोगों का आह्वान किया कि ये बदलाव का दौर है। इस अवसर पर डॉक्टर नरेश चुग, सुनील अरोड़ा, राजेश्वरी, संजय वर्मा, राजेश सूरी और सैकड़ों की संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे। ये मेरा आपसे वादा है, आपकी सारी समस्याएं पूरी तरह जड़ से खत्म की जाएंगी। आप सब उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहे, सारे काम आपके पूरे अच्छे से होंगे। हम ये सुखदेव नगर में रहते हैं, आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत हो आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। हमारे घर सुखदेव नगर 144 हमारा मकान नंबर है, वहाँ पर आप कभी भी आए, वही हमारा ऑफिस होगा, वही कार्यालय होगा, आप कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। हमारे परिवार का शुरू से यही मेन मोटिव रहा है, जन कल्याण, जन सेवा, और हम वही काम अच्छे से करेंगे आप सबके सहयोग से। आपकी अपने वार्ड के लिए जो जिम्मेदारी है अपना वोट देकर उसे निभाएं, वोट आपका अधिकार भी है, वोट आपका कर्तव्य भी है। इनेलो बसपा गठबंधन की मेयर पद की प्रत्याशी प्रियंका कश्यप के विजयरथ को मुकाम पर ले जाने के लिए इनेलो कार्यालय में रणनीति बनाई गई। इसमें मुख्य रूप से इनेलो नेता कुलदीप राठी, निशान सिंह मलिक मौजूद रहे। राठी ने विश्वास जताया कि गठबंधन का पानीपत में मेयर चुना जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को नुरवाला में इनेलो और बसपा सहित 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर जनसमर्थन के लिए अपील करेंगे। मीटिंग के दौरान मेयर पद की प्रत्याशी प्रियंका कश्यप ने कहा कि पानीपत में सभी जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निदान किया जाएगा। शशि बारा ने कहा कि आज भाजपा से लोग काफी त्रस्त हैं, जिधर देखो समस्याओं के अंबार लगे हैं। पिछले 4 साल में भाजपा जन समस्याओं पर पार नहीं पा सकी, उसी के चलते पानीपत की जनता ही नहीं समस्त हरियाणा में भाजपा विरोधी लहर चल रही है। इस अवसर पर इंद्रजीत दहिया, चंद्रप्रभा, रघुवीर मलिक, संदीप, सुमेर सिंह, रामनिवास फुलिया, रामनिवास पांचाल, हरिप्रकाश मंडल, सुभाष चोपड़ा, सियाराम मांतिल और मोंटी मंडल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। सबसे पहले मैं सिटी तहलका न्यूज चैनल का धन्यवाद करती हूँ। कल हम अपने 36 बिरादरियों से मैं पूरे पानीपत शहर की अपील करती हूँ कि कल वो नूरवाला पहुँचकर मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे पानीपत से मेयर, हमारा वहाँ से डोर टू डोर का प्रोग्राम स्टार्ट होगा जो बाहरी कॉलोनियों में जाएगा, जो हमारे एक शक्ति प्रदर्शन होगा ताकि सबको ये लगे भी हाँ इनेलो बसपा पार्टी से भी कोई इनेलो प्रत्याशी खड़ी है प्रियंका कश्यप, और जो जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। और मैं सबसे यही अपील करती हूँ पानीपत वासियों से कि कल वहाँ पहुँचकर सभी बुजुर्गों से, युवाओं से कि वो वहाँ पहुँचकर मुझे आशीर्वाद दें और मेरा समर्थन करें। भाजपा की मेयर पद प्रत्याशी अवनीत कौर ने वार्ड 18 की पीपल वाली गली में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा में उनको भारी जन समर्थन मिला। वार्ड 18 से भाजपा के पार्षद प्रत्याशी पंकज शर्मा भी चुनाव मैदान में है। इस संयुक्त जनसभा में मेयर प्रत्याशी अवनीत कौर ने कहा कि आज जहां पानीपत के अंदर सफाई और पेयजल की गंभीर समस्या है, वहीं ट्रैफिक जाम से जनजीवन बेहाल हो गया है। इन समस्याओं से निजात दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। यदि जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो शहर को जाम मुक्त
बनाया जाएगा। जब उनसे उनके विजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पानीपत के बाईपास को लिंक करती सभी सड़कें बनाई जाएंगी ताकि लोगों को जाम से ना जूझना पड़े। वहीं पंकज शर्मा ने कहा कि उन्हें लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है, इसमें 36 बिरादरी उनके साथ खड़ी है। देखिए ये जो इलेक्शन है ये इससे कोई सरकार नहीं बन रही, ठीक है। तो मेरे जो पापा हैं उनके बहुत खास है बलबीर पाशा जी, और उन्होंने वो हमसे भी बहुत प्यार रखते हैं, तो हम उनसे सिर्फ आशीर्वाद लेने गए थे। उन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जस्ट हम सिंपल उनसे उनका आशीर्वाद लेने गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा है कि हम आपके इस चुनाव में समर्थन करते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं। देखिए उन्होंने बस अपना आशीर्वाद दिया है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर आशीर्वाद मिल गया तो इससे ऊपर और क्या हो सकता है। कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं, तो आपको क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे ये अनुभव हो रहा है कि ये वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो सिर्फ चाहती है कि फेस वैल्यू जो है फेस वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि कितनी हजारों की संख्या में हमने जो अपना जलसा कर रखा था, लोगों का अपार अपना प्यार हमें मिल रहा है और लोग खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं कि इस बार और कोई नहीं सिर्फ पंकज शर्मा को वोट देकर उसको विजयी बनाएंगे। वाराणसी भाजपा पार्षद प्रत्याशी मीनाक्षी नारंग ने भी जन समर्थन के लिए आज कई बाजारों और मोहल्लों का दौरा किया। इंसार बाजार में जाकर के उन्होंने दुकानदारों से जन समर्थन की अपील की। गौरतलब है कि मीनाक्षी नारंग पिछले कई दिनों से इसी तरह से जोर शोर से प्रचार कर रही हैं और उन्हें व्यापक जन समर्थन भी दिखाई देता मालूम पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से वायदा किया कि अगर वे पार्षद चुन ली जाती हैं तो आने वाले समय में पानीपत के अंदर जो मुख्य समस्याएं हैं, गंदगी साथ साथ जाम और दूसरी समस्याओं को दूर करने में वे भरसक प्रयास करेंगी। और मैं सभी 36 बरादरी के चरणों में स्वच्छ प्रणाम करता हूँ। आप जितनी बरादरी से जीते भी हैं, मैं आप सभी को नमन करता हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही सिटी डेल का न्यूज के इस अंक को विराम देने की गिरीश मानो को दीजिए इजाजत। अगले अंक में आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।